दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में आप सबको सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो पवित्र धार्मिक स्थल है पंचप्रयाग में से एक, आपको यहां पर अलगंदा मैया और पिंडर मैया के दर्शन करने को मिलेंगे। पवित्र संगम स्थल है, गंगा माँ का दिव्य रूप है। उसके बाद आपको जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जा रहे हैं कालेश्वर। यहाँ पर आपको अलकनंदा मैया और पिंडर मैया के दर्शन करने को मिलेंगे। पवित्र संगम स्थल है, पंचप्रयाग में से एक है, गंगा माँ का दिव्य रूप है। उसके बाद हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं कालेश्वर की तरफ। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ना, ये कर्णप्रयाग से कालेश्वर के बीच में जो नेशनल हाईवे है, जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी आपको अक्टूबर 2022 की लेटेस्ट वीडियो दिखाई जा रही है। अलकनंदा मैया के किनारे किनारे नेशनल हाईवे आगे के लिए बढ़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग, और कालेश्वर से हम जाएंगे लंगासू, ग्राम लंगासू, और उसके बाद जो आगे आपका सोनला आता है ना, वहाँ तक की झलक आपको देखने को मिलेगी। पिछली वीडियोस में भी दिखाया था मैंने कि इस कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जो आपके लास्ट रेलवे स्टेशन है वो आपका ये नदी पार है ना, फिर अलकनंदा मैया है, तो नदी पार आपका जो एरिया है ना, इसके अंदर से टनल जा रही है और ये खुलेगी आपके आगे सिवई गाँव में। तो नदी पार आपका सिवई गाँव है कालेश्वर में, तो वहाँ से फिर ब्रिज बन रहा है, अलकनंदा मैया के ऊपर ब्रिज बन रहा है नदी के ऊपर। तो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया है, अगर आप लोग चैनल पे बने हैं 2-3 साल पहले से, तो मैंने प्रोसेस दिखाई है उस ब्रिज की बनती हुई, तो वो ब्रिज बन के तैयार है। तो अब हम लोग सिवई गाँव या फिर जो भी उसका कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वहाँ आसानी से हो रहा है। ये पूरा घाटी है आपकी बद्रीनाथ घाटी है, पवित्र स्थान है सारे के सारे, मुख्य पड़ाव बाजार है जब आप लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। यहीं से होते हुए आप लोगों ने धाम के लिए जाना है। अगर हम बात करें पेट्रोल पम्प की, तो कर्णप्रयाग में भी हमको पेट्रोल पंप देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग रिफिल करा लीजिएगा पेट्रोल पंप में, अपनी गाड़ी को चेक करा लीजिएगा, हवा वगैरह जो भी उसका मेंटेनेंस का कार्य होगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे आप लोग, तो जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपका सोनला में, आगे सोनला आता है, तो वहां पर आप लोग रिफिल करा लीजिएगा। फिर चमोली बाजार आपका गोपेश्वर, फिर उससे आगे आपका जोशीमठ, तो बद्रीनाथ धाम जाएंगे ऐसे करके आप लोग। आगे आपका नंदप्रयाग आता है और उसके बाद आपका विष्णुप्रयाग भी आता है बद्रीनाथ धाम के। जब आप लोग ट्रेवल करेंगे ना ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए, या हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जब आप लोग आएंगे यात्रा पे, आपको पंचप्रयाग के दर्शन भी मिलेंगे, करने को मिलेंगे। आप लोग वहां भी जाएंगे, हर प्रयाग में आपका मंदिर है, धार्मिक स्थल है, जितने भी प्रयाग हैं आपके, इनका एक अलग ही महत्व है हमारे यहाँ। हमारे देश में नदियों को देवी का रूप माना जाता है। आप लोग दर्शन करेंगे अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, अगर आप लोग धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इन पड़ावों में भी जाना है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखने को मिलेंगे, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। हर पड़ाव का एक अपना महत्व है। अब तो बाजार मार्केट एरिया बहुत ही ज़्यादा आपके सारे अवेलेबल हैं, सारे आपको जो भी सुविधा चाहिए। आप लोग थक गए हैं, इन पड़ावों में रुक सकते हैं, अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर जिस टाइम पर भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसको करके आप लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कालेश्वर घाटी में आने वाले टाइम पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी भविष्य में, तो या तो श्रद्धालु लोग नदी पार वाले एरिया में रुकेंगे, वहाँ प्लेटफॉर्म बन रहा है, वहाँ से फिर इस ब्रिज के होते हुए ये जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे इस पे जुट जाएगी वो रोड, फिर यहाँ से लोग धाम के लिए जाएंगे। अभी तो यहीं तक है, जैसे जैसे चेंजेस आएंगे या कार्य और आगे होगा, मैं आपके लिए वो वाली वीडियोस भी लेके आता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। मैं चैनल पे इतने सालों से बने हैं, आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका ब्रिज है ना वो कार्य भी पूरा हो गया यहाँ पर, मोटर ब्रिज, उसके बाद अब ट्रेन ने वहीं प्लेटफॉर्म में रुकना है सिवई गाँव में, फिर वहाँ से कालेश्वर होते हुए इस वाले। यहाँ पर आपका एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप लोग कर्णप्रयाग से लंगासू के लिए जाएंगे तो इस वाले रूट पे आपको आरटीओ ऑफिस भी देखने को मिलेगा। यही आपका जब आप लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो बद्रीनाथ धाम आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये यहाँ पर आपका आरटीओ ऑफिस भी देखने को मिलेगा। आरटीओ जब आपका कार्य हो रहा था ना इस वाले रोड पे कटिंग का, तो नीचे से रोड डाइवर्ट कर रखी थी आरटीओ ऑफिस के बगल बगल से, फिर आगे कनेक्ट कर दी गई थी, पर अब तो यहीं से होते हुए जा रहे हैं, काफ़ी चेंजेस हमको इस वाले रूट पे भी देखने को मिले हैं पिछले ईयर के कंपैरिजन में।
आगे आता है आपका कालेश्वर के आगे आपका लंगासु, ग्राम लंगासु बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे की तरफ लहराते हुए खेत देखने को मिलेंगे, खेती बाड़ी करते हुए देखेंगे लोग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे उत्तराखंड की पहचान ही हमारे उत्तराखंड के खूबसूरत गाँव हैं, जो कि अलग अलग जगह बसे हुए हैं। गाँव में रहने वाले खूबसूरत लोग हैं जो अभी भी पूरे रीति रिवाज के साथ सारी पर्व और त्यौहार मनाते हैं गाँव में। तो ये सारी झलक आपको चारधाम यात्रा यमुनोत्री धाम, जब आप लोग चारधाम यात्रा करेंगे ना आपका यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के दौरान आपको बहुत ही अलग अलग खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, खेती बाड़ी देखने को मिलेगी। मुझे यही पसंद है और यही ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप सबके लिए यहाँ की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वैसे आप लोगों को वीडियोस दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा ऐसा देखने को तो नहीं होता है, पर वहाँ के लोकल एरिया की थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा जब आप लोग यात्रा कर रहे हो ना तो आपको याद आए मैंने आप सबके लिए यहाँ की वीडियोज़ बनाई थी। याद करेगा आप लोग जब आप लोग यात्रा पे धाम की तरफ जाएंगे दर्शन करने के लिए। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कालेश्वर से लंगासु के बीच में भी इस वाले पूरे रूट पे तो आपके बहुत सारे नए ब्रिजेस बन गए हैं, मैं टाइम टाइम पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मैं आप सबके लिए 2-3 साल से वीडियोस लेके आ रहा हूँ सारे ब्रिजेस की भी। इस वाले रूट पे भी हमें कई ब्रिजेस देखने को मिले, गाढ़ गदरों में जो पुराने ब्रिज थे उनको भी खत्म किया गया है और नए ब्रिज बना दिए गए हैं, जिससे बरसात के समय जो रोड जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी उसमें वो दिक्कत नहीं आएगी अब। और जो जाम लगता था ना एक टाइम पर, एक तरफ की गाड़ी जाती थी दूसरी तरफ गाड़ियों को वेट करना पड़ता था, वो भी नहीं करना पड़ रहा है, गाड़ी दोनों तरफ की गाड़ियाँ एक ही बार में निकल जा रही हैं, और इससे श्रद्धालु लोगों को धाम में सफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने यात्रा करी हो या आप लोगों ने ट्रैवल किया हो इस वाले रूट पे, तो आपको खुद ही काफ़ी चेंजेस देखने को मिल गए होंगे। जो लोग पहले पहले बहुत पहले आए थे धाम में यात्रा करने के लिए, जब वो अब आएंगे ना हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए, तो चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान उनको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। पूरे रूट सुना रहे होंगे, बहुत ही चेंजेस आ गए। दिवाली का पर्व है, आपको आप सबको आपके परिवार को सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जल्द मैं आप सबके लिए इसके बाद रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम वाला जो रूट है केदारघाट है वहाँ की वीडियोज लेके आऊँगा। अक्टूबर नवम्बर के टाइम की वीडियोज आएंगी आपको, चैनल पर बने रहिएगा आप लोग, और जो जो चेंजेस आते हैं जैसे जैसे अपडेट होता है उसकी वीडियोस आप सबको मिलते रहेंगी। वीडियोस देखने के लिए, प्यार सपोर्ट देने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए, लाइक कमेंट शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, आप सबको मेरा प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके लिए चार धाम से रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहूं। आप लोग यात्रा पे आएंगे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो दोस्तों मिलते हैं आप सब गोपेश्वर ब्लॉक, पोखरी घाट और कर्णप्रयाग ब्लॉक से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ इस वाले जगह के पास में जो कॉलेजेस पढ़ते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऑफ प्रताप कर्णप्रयाग के पास, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रोहिदा के पास पड़ता है। GIC भगवती, GIC लॉयल्टी हो गया आपका, और GIC दोस्तों अब बात करते हैं बस स्टॉप के बारे में। अगर इसके नियर बाई विलेजेस की बात की जाए जहाँ को आपको बस स्टॉप या स्टेशन देखने को मिलेगा, तो वो आपका चमोलिया, चमोलिया डाइवर्जन पॉइंट है गोपेश्वर और बद्रीनाथ धाम के लिए जाने वाले रूट पे, तो वहाँ भी आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। चमोली से आगे आपका गोपेश्वर पड़ता है, तो गोपेश्वर में भी और पोखरी में भी आपको बस स्टैंड, बस स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। इस वाले रूट पे मैंने आपको जब मैंने ट्रैवलिंग करी तो मैंने आपका सिंडिकेट का ATM देखा, SBI का और बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM मेरे को इस वाले रूट पे देखने को मिला। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर की, तो
पांडुकेश्वर में आपका हेल्थ सब सेंटर है, मेन सेंटर आपका जोशीमठ में है, कॉमन हेल्थ सेंटर आपका जोशीमठ में देखने को मिलेगा नरसिंह मंदिर के पास। जब आप लोग चार धाम यात्रा पे आएंगे इस साल, कोई भी धाम हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री या यमुनोत्री, जैसे ही आप घाटी में प्रवेश करेंगे आपको सुखद एहसास और शांति प्राप्त होगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ट्रैवलिंग करते हुए धामों की तरफ। तो आप लोगों का इस साल ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने के लिए आइएगा आप सब लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। रखते हुए हम पहुंच चुके हैं नंद प्रयाग, जो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में। आज की वीडियो में आप सबको नंद प्रयाग घाटी का जो 8 किलोमीटर का एरिया है उसका करंट सिनेरियो देखने को मिलेगा। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे बद्रीनाथ धाम को जाता है आपको उसकी वीडियो देखनी है, तो लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए लेटेस्ट वीडियो। और दोस्तों जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। मैं उत्तराखंड की घाटियों की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी, होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंद प्रयाग पंच प्रयाग में से एक है। हमारे देश में नदियों को देवी का रूप माना जाता है, तो देवभूमि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, जो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, उनमें से ये एक है। बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है दोस्तों। जब आप लोग यात्रा करेंगे तो आप लोग ये जितने भी प्रयाग हैं, जब आप लोग यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर इनके दर्शन करेंगे, तो आपको शांति का अनुभव होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है सारी। और एक बात और है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जाते वक्त जब आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश से पहाड़ों के लिए यात्रा शुरू करेंगे, तो हो सकता है कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाए, तो आप लोग इन पड़ावों में रुक सकते हैं। जब बहुत पहले सड़कें नहीं थी तो तब भी यात्री लोग पैदल ही यात्रा करते थे और इन पड़ावों में रुकते थे। तो बद्रीनाथ धाम जाते वक्त मुख्य बाजारों में से, पड़ाव में से ये एक है। बीच बाजार से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ से नियर बाय प्लेसेस के लिए भी आपको सोमो और बसेस मिल जाएंगी। नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर आगे की तरफ स्थित है और 47 से 48 मिनट का समय लग जाता है यहाँ पहुंचने में। नंद प्रयाग से आगे की तरफ बद्रीनाथ धाम स्थित है और नंद प्रयाग से 101 किलोमीटर अप्रॉक्स और 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है हमें धाम पहुंचने में। बीच में थोड़ा आगे पे आपका चमोली बाजार भी आता है, वहां से रोड डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्जन पॉइंट है वो। तो जब आप लोग यात्रा करेंगे तब आप लोग इन सारे पड़ावों के दर्शन करेंगे, इन पड़ावों से होते हुए जाएंगे। अगर आप लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग इन सारे जगहों के दर्शन, आप ये सारी जगहें देख सकते हैं। आप लोग याद कीजिएगा जब आप लोग इन शहरों से गुजरेंगे, इसलिए मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। नीचे संगम स्थल पे खूबसूरत पार्क बनाया गया है, आप लोग वहां पर बैठ के संगम स्थल का खूबसूरत नजारा का आनंद उठा सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जो लोग योगा मेडिटेशन करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। इससे पहले मैं अगस्त में यहाँ आया था, अगस्त 2020 में, और अब ये वीडियो मैंने बनाई है, ये मैं परसों मैं वहां तक गया था, आगे तक आपका चमोली बाजार तक, तब मैंने ये वीडियो बनाई आप सबके लिए। और काफी अच्छा लग रहा था ट्रैवलिंग करते हुए, और होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आ रही होगी। आजकल क्या है ना दोस्तों, ये जितने भी पहाड़ी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया है ना दोस्तों, ये नंद प्रयाग के ऊपर वाला एरिया भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बर्फ पड़ी हुई है, और जितने भी हाई पीक एरिया है ना, 3-4-5-6 दिन यहाँ बारिश हुई, सारे
पहाड़ों में तो बर्फ पड़ी है, खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है और बहुत ही ठंडीली बर्फीली हवाएं चल रही हैं आजकल। तो गाड़ी चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है, तो इसका भी एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, अलग ही आनंद है पहाड़ों में रहने का। और दोस्तों बद्रीनाथ घाटी की बात की जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग मैंने देखा आजकल, बहुत सारी गाड़ियां देखी मैंने जो ओली के लिए विजिट कर रहे हैं। ओली में भी हैवी स्नोफॉल होता है तो बहुत ही अच्छा टूरिज्म और वो है, वो टूरिस्ट पॉइंट है वो, तो वहाँ पर भी आपका मैंने देखा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ विजिट कर रहे हैं और उधर भी जाते हैं, फूलों की घाटी या फिर ओली साइड। तो यही आपका मेन रूट है, इसी रूट से नंदप्रयाग को क्रॉस करते हुए आप जाते हैं। अच्छा दोस्तों, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो आपको जहाँ की भी वीडियो देखनी है आप लोग सीधे कमेंट करके मुझे अपनी बातें, अपने थॉट मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं वहाँ की अपनी लिस्ट में वहाँ का ऐड कर दूँ उस जगह को और नेक्स्ट वीडियो वहाँ की बनाया करूँ। अभी जैसे ही मेरे साथ अभी एक बहुत बड़े सर रहते हैं कोई, उन्होंने शेयर किया था कि उनका घर तिरानी साइड है, उनको वहाँ विलेज की वीडियो देखनी है, तो मैं आने वाले टाइम पे वहाँ की वीडियो भी लेके आऊँगा उनके लिए। तो ऐसी आपको जहाँ की भी वीडियो देखनी होती है आप लोग मुझे बता दीजिए सर, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और तो दोस्तों अगर आप लोग स्टे करते हैं चारधाम यात्रा के टाइम पर नंदप्रयाग साइड, तो यहाँ पर बजट होटल्स और रेस्टोरेंट अवेलेबल है और JMVN के गेस्ट हाउस वगैरह अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पता करके ठहर सकते हैं। उस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा आने वाले टाइम पर। जितने भी पड़ाव हैं मैं चाहता हूँ ये सारे पड़ाव विकसित हों, यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हो। अच्छा दोस्तों, अगर आप नंदप्रयाग में रुकते हैं तो आप लोग एक तो वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे संगम स्थल है, और आप यहाँ पे माँ चंडिका देवी का बहुत ही प्राचीन पौराणिक फेमस मंदिर है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। किसी को भी पूछेंगे आप लोग वहाँ का रूट रास्ता आप लोगों को बता देंगे। और गोपाल जी टेम्पल है यहाँ पर दोस्तों, तो आप लोगों को समय मिलता है तो आप गोपाल जी मंदिर भी जा सकते हैं। रास्ता जा रहा है आपका बद्रीनाथ धाम को, और जो ये नीचे वाला ब्रिज पार करके जो रास्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है ये जा रहा है आपका कर्णप्रयाग को, ऋषिकेश की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, और मुख्य बाजार और एक पड़ाव है बद्रीनाथ धाम की जब आप लोग यात्रा करते हैं। ये जो ब्रिज बना है दोस्तों, इस ब्रिज के नीचे से जो आप ये रिवर देख रहे हैं जो मैं भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यह है नंदाग्नी नदी, और आगे जाके संगम स्थल है और नदी आपकी अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है। यहाँ पर भी रोड का कार्य चल ही रहा है आगे की जगह पे, इसी बाजार को क्रॉस करने के थोड़ा आगे पे रोड का कार्य चल ही रहा है जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुमो स्टैंड भी है और बस स्टैंड भी है, तो आपको कहीं भी नियर बाय प्लेसेस के लिए जाना है तो आपको बसेस और सुमो आराम से मिल जाएंगी। क्या दोस्तों, मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ तो मैं यहाँ घूमता रहता हूँ तो मेरे लिए जगह देखी हुई है, पर आप अगर आप लोग हैं जैसे तो आप ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी हैं किसी भी कोने में, तो आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से ये जगह देख सकते हैं, एक खूबसूरत धार्मिक स्थल देख सकते हैं। और अगर आप लोग मन बना रहे हैं परिवार के साथ दोस्तों के साथ यात्रा करने का, तो आप लोग इसी जगह से होते हुए बद्रीनाथ धाम के लिए आगे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों नंदप्रयाग को क्रॉस करने के बाद जब हम लोग आगे के लिए बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा चमोली बाजार। तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ना, ये रास्ता आपका नंदप्रयाग से चमोली बाजार के लिए जा रहा है। आप लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो यहीं से होते हुए जाना है आपने, यहीं से होते हुए जाना है, और दूसरा रास्ता आपका यहीं चमोली बाजार है ना आगे, तो नंदप्रयाग से चमोली बाजार आपका 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग आगे के लिए बढ़ता है, खूबसूरत वादियों के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, स्नोफॉल देखने को मिलेगा। जब आप लोग चारधाम यात्रा पे आएंगे तो चमोली बाजार एक मुख्य पड़ाव है, आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, अच्छा खासा बाजार है, मार्केट एरिया है, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नंदप्रयाग हो गया आपका, चमोली बाजार हो गया, आप लोग यहां से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, ये चमोली बाजार अभी आपको आगे वीडियो जहां के लिए हम जा रहे हैं ना, अभी आपको चमोली बाजार देखने को मिलेगा आगे, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कितनी खूबसूरत जगह है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, यहां से ब्रिज पार करके, अलकनंदा नदी के पार करके ब्रिज के थ्रू आप जाएंगे गोपेश्वर के लिए, तो यहीं
सीधे आपके रोड के उधर गोपेश्वर पड़ता है, और गोपेश्वर में आपके सारे आपके कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मार्केट एरिया है, और गोपीनाथ मंदिर आप जाएंगे, भगवान जी के भोलेनाथ जी के दर्शन करने को मिलेंगे आपको, शिव भगवान जी के, रुद्रनाथ महादेव मंदिर, फिर यहाँ से आप लोग बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनाथ घाटी है पूरा, आप यहाँ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जो आपका गोपेश्वर वाला रूट है ना, वो आपकी चढ़ाई है, चमोली से ब्रिज पार करके अलकनंदा नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उसको पार करके रोड आपकी चढ़ाई आती है, और वहीं पर आपको गोपेश्वर है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको गोपेश्वर मेन मार्केट एरिया भी दिखाऊंगा, बाजार देखूंगा, गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ से आप लोग जो रूट है ना, ये आपका जो चोपता वाला रूट है, चोपता तुंगनाथ, तुंगनाथ चोपता कुंड वाला, तो आप लोग यहाँ से होते हुए कुंड चोपता भी जा सकते हैं, और वहाँ आप केदारनाथ धाम के लिए भी है रास्ता, तो आपको रुद्रप्रयाग नहीं जाना पड़ेगा। तो जो केदारनाथ धाम से जो बद्रीनाथ धाम जाते हैं ना ज़्यादातर यात्री, वो इसी वाले रूट से आते हैं जो आपका चमोली बाजार में मिलता है। आप लोगों ने यात्रा की होगी तो आप लोगों को आइडिया आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जो लोगों ने यात्रा नहीं की है, मेरे वीडियो के माध्यम से एक खूबसूरत पड़ाव देख सकते हैं। यहीं से होते हुए आप लोगों ने धाम के लिए जाना है तो आप गोपेश्वर में ना, आप लोग चमोली बाजार में भी स्टे कर सकते हैं, गोपेश्वर में भी, दोनों ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप फूलों की घाटी, कल्पेश्वर महादेव मंदिर, फिर आपका आगे आपका जोशीमठ पड़ता है, तो जोशीमठ के लिए चले जाता है रूट, तो बहुत सारे मतलब आपके खूबसूरत जगहें तो हैं ही। देवभूमि उत्तराखंड है, आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, धाम देखने को मिलेंगे, आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, दोस्त के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ यहाँ पे आपको लैंडस्लाइडिंग जोन देखने को मिलते हैं, बरसात के समय क्या होता है ना, पहाड़ों में रोड जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जोन एरिया है ना, तो वहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आप लोग वहाँ से निकल जाइए, और ख्याल रखिएगा अपना यात्रा के दौरान। जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी जगहें आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपकी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, धाम हैं, बहुत सारी और जगहें हैं, औली है आपका, फूलों की घाटी है। आपकी यात्रा के दौरान आप लोगों ने ऋषिकेश से आना है, ऋषिकेश से आपको देवप्रयाग, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग आया, फिर आपका कर्णप्रयाग, यहाँ पे अभी अभी हमने नंदप्रयाग को बीच बाजार से होते हुए आगे के लिए बढ़े हैं, तो आप लोग फिर उसके बाद जोशीमठ के बाद आपका विष्णुप्रयाग, तब आप बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे, तो आप लोग प्रयागों में रुक सकते हैं। हमारे देश में नदियों को देवी माँ का रूप माना जाता है, तो आप लोग प्रयाग में जाएंगे, दर्शन करेंगे माँ के, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग जितने भी ये प्रयाग आते हैं ना, यहाँ भी रुकिएगा यात्रा के दौरान। चारों धाम हमारे ऋषिकेश से, हरिद्वार से दूरी पर स्थित हैं, तो अगर आप लोगों को लोकल गाड़ी नहीं मिल पाती है, ज़्यादातर गाड़ियाँ टेम्पो ट्रैवलर बसेस में यूज़ करते हैं यात्री लोग, श्रद्धालु लोग, पर जो लोग नहीं मिल पाती है डायरेक्ट गाड़ी भी अगर, तो आप लोग लोकल एरिया में भी पहुंच सकते हैं। यहाँ अच्छे खासे रिसॉर्ट हैं, लॉजेस हैं, बाजार है, मार्केट एरिया है, तो आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी, और फिर आप नेक्स्ट दिन धाम के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो अब मैं आपको वीडियो में चमोली बाजार की झलक दिखाऊंगा, ना किसी ज़्यादा, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया है, सिंपल सी वीडियो है, विदाउट एनी एडिटिंग, आप लोगों को जैसा बाजार है वैसा देखने को मिलेगा। बारिश लग गई थी तो मैंने आपके लिए शूट किया है, आप लोग देखिए चमोली बाजार, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके लिए धाम से रिलेटेड कंटेंट लेके आ सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आप लोग नंदप्रयाग को क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जो नेक्स्ट बाजार और पड़ाव आपको देखने को मिलेगा वो है चमोली बाजार। चमोली बाजार डायवर्जन पॉइंट है, यहाँ से एक रोड चले जाती है आपकी गोपेश्वर को, गोपेश्वर जो कि प्रसिद्ध है अपने गोपीनाथ मंदिर के लिए, वहाँ पर कुंड भी है, और गोपेश्वर चमोली से पड़ता है आपका 10 किलोमीटर के अप्रोक्स, और 23 से 30 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। आप लोग गोपेश्वर से अनसुया देवी मंदिर,
रुद्रनाथ मंदिर, तुंगनाथ महादेव मंदिर और केदारनाथ धाम के लिए भी जा सकते हैं। पर हम जा रहे हैं बद्रीनाथ वाले रूट पे, तो जो बद्रीनाथ वाला रूट है वो जब हम उस वाले रूट पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव हमें देखने को मिलेगा वो है जोशीमठ। दोस्तों ये चमोली बाजार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो केदारनाथ से डायरेक्ट रास्ता नहीं आता आपका बद्रीनाथ धाम के लिए, जो आपका ऊटी मठ देवरताल वाला जो रूट है, गोप्ता वाला रूट है, वहाँ से होते हुए जो आता है गोपेश्वर को, वो गोपेश्वर पहुँचने में जब आप लोग तो गोपेश्वर से फिर चमोली होते आप यहाँ से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम के जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाला रूट इम्पोर्टेंट है, वरना अगर आप लोग ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आप इसी वाले रूट से होते हुए आएंगे, और अगर आप लोग ऋषिकेश से पहले केदारनाथ गए, केदारनाथ से फिर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप गोपेश्वर वाला रूट भी यूज कर सकते हैं। जगह आती है वो इस प्रकार है, जैसे कि आपका भीमताला हो गया, फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे खैनूरी हो गया, बहोला हो गया, दसवा, तरतोली, बतूला, फिर आपका पीपलकोटी आता है, वहाँ आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, फिर आपका चंदौरी चाखट, गुडाला, पाखी, लंगसी, फिर आपका हेलांग आता है थोड़ा आगे पे जाके। तो ये सारी जगहें आपको जब आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों हम जा रहे हैं बद्रीनाथ वाले रूट पे, चमोली बाजार से जो सीधा बद्रीनाथ वाला रूट है जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट पड़ाव हमें देखने को मिलेगा वो है जोशीमठ। जोशीमठ यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1 घंटा 51 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। जोशीमठ आपका प्रसिद्ध है वासुदेव मंदिर के लिए। यहाँ से आप हथोपंत लेक, वैली ऑफ फ्लावर, कौरी पास भी जा सकते हैं। जोशीमठ भी आपका डाइवर्जन पॉइंट है, एक रूट आपका चले जाता है औली के लिए, दूसरा रूट चले जाता है आपका तपोवन वैली के लिए, और तीसरा जो रूट है वो चले जाता है आपका बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ वाला रूट है उस पर जब आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा वो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जोशीमठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 33 से 35 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। जोशीमठ से पहले पहले आपकी चढ़ाई जो शुरू होती है, फिर आपका ढलानी एरिया आपको देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद आपका समतल हो जाती है रोड, फिर आगे जाके आपकी फिर चढ़ाई देखने को मिलेगी। तो जब आप लोग विष्णु प्रयाग पहुंच जाएंगे तो विष्णु प्रयाग आपका पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है। तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं चमोली बाजार है, जय हिंद, जय भारत।